नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। यूपी के माफिया बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा रविवार को भदोही के ज्ञानपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। वहां से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बाहुबली विजय मिश्रा को नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर उनके रिश्तेदार मकान और अन्य संपत्ति कब्जा करने का आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके रिश्तेदार की ओर से इस मामले में FIR भी कराया गया था। इसके बाद में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। भदोही पुलिस के अनुरोध पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश पुलिस ने मलवा में हिरासत में लिया था। इसके बाद भदोही पुलिस ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को ट्रांजिस्ट रिमांड पर लाकर भदोही के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।